धार्मिक आयोजनों से अपना जीवन यापन करने वाले तमाम लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। आज इन कलाकारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए मूक प्रदर्शन किया। काशीपुर के आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी ने आज सरकार से लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी के चलते रात 11 बजे तक माता की चौकी का आयोजन करने की अनुमति दिए जाने की मांग की। कलाकारों ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि कलाकार लोग जागरण व अन्य धार्मिक आयोजनों से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इससे पूर्व माननीय न्यायालय के आदेशों की वजह से उन्हें अपना काम स्थगित करना पड़ा। इधर लॉकडाउन के बाद तो उनके कार्य बिल्कुल ही बंद हो गए थे, ऐसे में उनके परिवार पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सोसाइटी कार्यकर्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके परिवारों पर आ रहे आर्थिक संकट को टालने के लिए सहयोग की अपील की है। कुमार काशीपुर आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी से हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि काशीपुर में और पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते हुए हमारी जो जागरण वाले हैं, धार्मिक प्रबंधक हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। और जिस तरह से सरकार किसानों को किसानी आर्थिक पैकेज, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, तो कुछ ना कुछ हमारे आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन के लिए, जितने भी कलाकार हैं जागरण से जुड़े हुए, महंत पुरोहित हैं, इनके लिए कुछ आर्थिक पैकेज का प्रबंध करें ताकि जिनकी आजीविका चलती रहे। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने हरियाणा सरकार को या अदर स्टेट की सरकार को आर्थिक पैकेज और कुछ सहयोग देने की कोशिश की है कि आप लोगों को परमिशन दी है 60 लोगों को बैठने की, धार्मिक कार्यक्रम चलाने की, तो उस मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि इस तरीके से कोई भी एक ऐसी छोटी सी योजना या किस तरीके का थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा दी जाए ताकि हम जागरण की जगह माता की चौकी कुछ भजन संध्या करके या अपना कोई और किसी सांस्कृतिक माध्यम से अपना जीवन यापन कर सके। थोड़ी आर्थिक हमारी मदद करने की कोशिश भी करे सरकार, क्योंकि हर से स्टेट की सरकार कुछ ना कुछ कलाकारों के लिए कर रही है। इसी माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारी काशीपुर आर्टिस्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय को कुछ ना कुछ सरकार देने की कृपा करे ताकि हम लोग अपनी जीविका चला सकें। ऐसा है, हमने सरकार से निरंतर प्रयास किया जा रहा हमारी सोसाइटी की तरफ से कि सरकार सब लोगों की सुन रही है, कृपया हमारी भी सुन। हम सारे कलाकार लॉकडाउन से पहले ही हमारा सारा कारोबार न्यायालय के द्वारा बंद करा दिया गया था। अब उसके बाद लॉकडाउन लगता है, तो लॉकडाउन के बाद तो आप जानते हैं 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, इसमें हम कलाकार रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। अब उस स्थिति में हम लोग क्या करें? हम अपील करना चाहते हैं सरकार से, जैसे सरकार सबको छूट दे रही है, सब मंदिर मस्जिद खोल रही है, हमारा आग्रह है सरकार से कि हमें भी इस काम में थोड़ी छूट दे, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपने जितने भी सामाजिक, जितने भी धार्मिक कार्य हैं कर सकें। जागरण ना कर करके हम चौकी कर लेंगे, जिससे हमारे कलाकारों के परिवारों का निर्वाह अच्छी प्रकार से हो सके। अभी तक कोई भी सरकारी सहायता हमारे पास तक नहीं पहुंची है। हमने आज भी जो ये मूक प्रदर्शन किया है फुल डिस्टेंसिंग के साथ में, हमारी कोशिश रहती है कि हम अनुशासन में रह के सारे कार्य करें। उसी प्रकार से आज हमने ये फुल डिस्टेंसिंग के साथ में एक मूक प्रदर्शन करा है। सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हम कलाकार कहाँ जाएं? हमारे पास रोज कमाना और रोज खाना होता है, ऐसे में ना हम बच्चों की फीस भर पा रहे हैं, ना ही बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे।